वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू, मैं हूँ रहमत दिल्ली से। टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज बात होने वाली है पठान मूवी को लेकर। मुझे ये मूवी कैसी लगी मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगी और अपना रिव्यू दूंगी। और बहुत लोगों में क्रेज़ है इसका, सारे लोग देखने जा रहे हैं। कुछ लोग प्लान करके बैठे होंगे कि मुझे देखने के लिए जाना है इस वीकेंड, या फिर बहुत सारे लोग मतलब सोच रहे होंगे कि कभी ना कभी जाकर देख लेना। तो उन सबको मेरा ये रिव्यू बहुत हेल्प करने वाला है। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई और लोगों का क्रेज़ देखा, तो क्रेज़ देखकर ऐसा हो जाता है ना कि मुझे भी देखना है, मुझे भी देख लेना है। मतलब इस तरह का फीलिंग हम सभी के दिल में आ जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो बस वीकेंड था और ऐसा कुछ लगा कि जाना चाहिए, फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो हमें भी देखना चाहिए। और देखाई, और बहुत दिनों के बाद मूवी देखने के लिए गई थी। और बड़े पर्दे पर मूवी देखना मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होता है। टीवी और मोबाइल पे हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन जाकर देखाना बहुत गई। और उसके बाद जब मूवी स्टार्ट हुई बहुत मतलब अच्छा लग रहा था कि अरे हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं और देख रहे हैं। पर जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, ऐसा फील हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा मूवी। मतलब 15 मिनट्स पार हो गए और मतलब इतना फास्ट फॉरवर्ड मूवी है, इतना उसमें मतलब लड़ाइयाँ धूम धड़ाम इतना, मतलब कुछ देर तक तो ऐसा लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रियली मूवी। मतलब मैं पठानी देखने आई हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा था। और मैं हस्बैंड का मुंह देख रही थी कि आपको समझ में आ रहा है, पर मैंने पूछा नहीं, डांट पड़ जाती कि मूवी भी देखने आई, पूछती समझ में आ रहा है या नहीं। मतलब इस तरह का फीलिंग आ रहा था। आधा घंटा बीत गया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मूवी समझ में आने लगा, पर थोड़ा भी ऐसा फील हुआ कि मैं इधर उधर देख लूँ तो फिर मूवी गई, मूवी पार हो जाएगी, इतनी फास्ट फॉरवर्ड है। मतलब स्टार्टिंग से जो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, एंड तक लड़ाई होने पर ही ख़त्म हुई है। और हम लेडीज़ को मतलब थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई कम पसंद आती है, तो इस तरह का अपना है। मतलब सब लोग मेरे तरह तो नहीं होंगे, सबकी अलग अलग थॉट्स है। फिर बहुत देर हो गया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब देख रही थी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ये मैं कहाँ चली आई। मतलब टाइम देख रही थी क्या और कितना देर है। मतलब मूवी, फुल मूवी जो है वो मुझे एनिमेटेड लग रही थी, ऐसा लग रहा कार्टून देख रही हूँ और एनिमेशन वाला सीन ज़्यादा लग रहा था, कुछ भी ओरिजिनल मुझे इसमें फील ही नहीं हो रहा था। हेलीकॉप्टर से उड़ना उतरना कूदना, ट्रेन पर से कूद जाना, ऐसे वैसे दौड़ भाग लगा देना, मतलब नेचुरल हम लोगों के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल ही नहीं भाई उतना ज़्यादा स्टंट कर लेना। स्टंट भी एनिमेटेड लग रहा था, सब कुछ ऐसा ही लग रहा था। स्टोरी लाइन ठीक है, एक्टिंग वगैरह ठीक है, दीपिका पादुकोण चलो ठीक है, उसको उस पर नहीं बोलूँगी, लेकिन सलमान शाहरुख खान का डुओ भी सही है, वहाँ पर थोड़ा दोनों साथ में मिलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे सीन्स मुझे एनिमेटेड लग रहे हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत लड़ाइयाँ हैं। मतलब हम लेडीज़ को तो थोड़ा पसंद नहीं आने वाली है, और जिनको पसंद आ रही है अच्छी बात है, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आपकी पसंद आपके साथ, मेरी पसंद मेरे साथ। लेकिन मूवी जो मेरे तरह लेडीज़ हैं, मुझे लगता है कि पसंद नहीं आई होगी। और जिनको पसंद नहीं आई है ना, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे। सब बोल रहे हैं बहुत अच्छी मूवी है देखने जाओ, मुझे उस भीड़ में नहीं जाना, मुझे जैसी लगी मुझे वो बताना है, तो मुझे ऐसी लगी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि मत करना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मूवी देखने मत जाना, देख लेना मूवी, पर ये सोच के जाना कि बहुत मज़ा आएगा, वो नहीं होने वाला। तो ये था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस तरह के रियल और ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीज़ मेरे चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर।